कोरबा जिले के सिहाई मुंडी में एक छात्रावास की अधीक्षिका के व्यवहार से तंग आकर छात्राएं भूख हड़ताल पर बैठी हैं। छात्राओं का आरोप है कि अधीक्षिका उनसे दुर्व्यवहार करती हैं, हॉस्टल में सही ढंग से भोजन नहीं मिलता, बीमार होने पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी जाती है और जब किसी छात्रा से मिलने उसके अभिभावक आए तो अभिभावकों से भी सलीके का व्यवहार नहीं किया जाता है। हड़ताली छात्राओं को एसडीएम और तहसीलदार ने समझाइश देकर वापस कैंप लौटा दिया है और आश्वस्त किया है कि 2-3 दिन में समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। बता दें कि हॉस्टल अधीक्षिका के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, लेकिन सवाल यह है कि अगर छात्रों को भी भूख हड़ताल के जरिए अपनी समस्याएं उजागर करनी पड़ रही हैं तो निरीक्षण करने वाले जिम्मेदार अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं। शिकायत करते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग कभी किराए में रखा गया है, तुम लोग का पैसा आया नहीं है और बोलते हैं कि गरीब घर से आए हो और इसी साल कोई बताए पे बोलते हैं कि बारात में आए हो कि ज्यादा ज्यादा खाना खिलाएंगे तुम लोग को। आप लोग को खेलने भी नहीं दिया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग बाहर सेकंड फ्लोर का सीढ़ी भी अंदर तो सीधा बोलते हैं किससे मिलने गए थे। इस क्षेत्र से है ना तो एसी सर या फिर प्रिंसिपल सर हम लोग को ऐसा दिखा क्या मैम बोलते तुम लोग नेशनलाइज क्षेत्र है तो तुम लोग रेप बलात्कार ये सब देख चुके हो, तुम लोग के घर वाले को गोली वोली भी तान चुके होंगे, तुम लोग का भरोसा नहीं है। जब तक आया था हमारे बंजारे सर थे, मैंने उस टाइम से ही बोला था कि मेरे आश्रम में ऑलरेडी 135 बच्चे हैं सर, तो मैं प्रयास से अतिरिक्त प्रभार नहीं देख पाऊंगी। अब वो बड़े बच्चे हैं और ये मैंने 2 लेटर दिया हुआ है, एक 19 तारीख की डेट का है, एक 27 तारीख की डेट का है कि मैं उन बच्चों को नहीं देख पाऊंगी। आप लोग समझ देते हैं बच्चे सारे अपने कैंपस में जा चुके हैं और खाने की गुणवत्ता भी देखते हैं कि क्या उनका कहना था। उनका कहना था कि आज आप भी खाइए तो मेरा मंगलवार का बैठा, लेकिन फिर भी मैं खाऊंगा अच्छा खाना। उनके साथ ये लोग जीत कर रहे थे कि जिला अध्यक्ष महोदय को बुलाएं तो तभी जाएंगे, तो पहले से आ गए हम भी खड़े हैं, लेकिन देखा जाए तो वो कैसे करके। अधिक जानकारी के साथ संबंध से जुड़ गए मनोज यादव। मनोज, यहाँ पर ये छात्राएं अनशन पर बैठी थी, यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठी थी, हालांकि वो खत्म करा दी गई। यह हॉस्टल क्या कोई सरकारी हॉस्टल है या किसी प्राइवेट स्कूल का हॉस्टल है जिसके छात्राएं प्रदर्शन कर रही थी? जी, पूर्व मुख्यमंत्री ने इसकी पहल शुरू की थी जो प्रयास के नाम से जो है यहाँ हॉस्टल खोला गया है। इस हॉस्टल का उद्देश्य था कि जो नक्सली के बच्चे हैं उनको जो है पढ़ाई में उनके लिए हॉस्टल खोला गया था, उनकी पढ़ाई की अच्छी स्तर बढ़े और उनकी देख रेख में अधीक्षिका और स्कूल में इसका हो अच्छी पढ़ाई हो बच्चों को लेकर, इसे लेकर इसका जो है एक साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन किया गया था और अभी आज एक ही साल हुए हैं इस हॉस्टल को संचालन करते हुए। इसके अधीक्षिका के खिलाफ छात्रों ने जो है मोर्चा खोल दिया और उनका कहना था कि अधीक्षिका के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके परिजन मिलने आते हैं तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। इन सब बातों को लेकर छात्र छात्राओं ने परिसर पर ही धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करते नारेबाजी की। बिल्कुल, यहाँ पर अधीक्षिका का क्या कुछ कहना था? अधीक्षिका का कहना है कि सारे आरोप झूठे हैं और बच्चों को खाना दिया जाता है जो मेनू के हिसाब से जो बना हुआ है शासन प्रशासन के द्वारा, उनके हिसाब से उनको खाना भी दिया जाता है। वही परिजनों से दुर्व्यवहार की बात तो ऐसी सारे बातों को उन्होंने नकारा है, छात्रों के आरोप को गलत ठहराया है। यहाँ पर जो छात्राएं हैं उनका कहना है कि वो ये कहती हैं कि किसी की बारात में आए हो जो इतना खाना तुम्हें दिया जाएगा, क्या अधीक्षिका अपने घर से ही खाना लाती हैं जिसकी वजह से बच्चों को भूखा रखा जाता है? जी नहीं, हॉस्टल में ही खाना बनता है और बच्चों को जो है वहीं भोजन दिया जाता है और बच्चों का कहना है कि वो जो आहार उनको मिलना चाहिए जिस हिसाब से उनको खाने को उनका डोज है उस हिसाब से उनको खाना नहीं दिया जाता, उनको कम दिया जाता है, मेनू के हिसाब से दिया जाता है वो भी कम दिया जाता है, तो इसे उनको खान पान पर उनकी जो है अतिथि द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका मनोज।